सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज खास दिन सुबह सुबह 8 बजे बस कुछ समय पहले वो हो गया जो शायद पूर्वी दिल्ली नहीं चाहती थी। पिछले 6 माह से आचार्य श्री सुनील सागर जी महामनिया संघ यहाँ पूर्वी दिल्ली में विराजमान था। मई के अंदर जागृति एनक्लेव में ग्रीष्मकालीन रहा और फिर 4.5 महीने 1 जुलाई को प्रवेश हुआ था और आज 16 नवंबर प्रातः आचार्य श्री का संघ चल दिया विहार करते हुए यमुना के उस पार। पर कहते हैं कल जो हुआ था वह ऐसा हुआ था चमत्कार जो किसी ने आज तक देखा नहीं था। जी हाँ, ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के कल लोग आए थे, जो दृश्य आप देख रहे हैं, डीलिट के लिए डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर हमारे कई संतों को मिल चुकी है, पर प्राकृत में आज तक किसी भी संत को इस देश में क्या पूरे विश्व में नहीं मिली है कि प्राकृत के अंदर डीलिट मिल जाए। वह सौभाग्य मिल रहा था आचार्य श्री सुनील सागर जी को। और मालूम चला कि उनका कोई विधान है, उनका नियम है, उनका कोई कंडीशन होती है कि पहले जिसको देनी है वह उनके सामने साक्षात लोगों के सामने और उनके सामने जो उनके निर्णय आए हैं 48 प्राकृत की गाथाएं आपको कंठस्थ सुनिए वह सुनानी चाहिए। अभी अपना नियम बता ही रहे थे कि उधर से आरिकाओं में बैठी आरिका द्रणमती माता जी ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया, अगर 48 गाथाएं ही सुननी है तो संघ में किसी की ओर उंगली करिए वह सुना देंगे। अरे इनसे सुननी है तो 4800 सुनिए तब पता चलेगा कि 48 सुनाते हैं या 48000 सुनाते हैं। हां, आपको सुनने की और झेलने की शक्ति होनी चाहिए। और फिर आचार्य श्री ने कहा कि सुनाएं किसको लें, तो मालूम चला समय सार से बेहतर धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। और दड़ 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 आचार्य श्री ने 8 मिनट के अंदर या लगभग 8.5 मिनट में उन 48 नहीं 50 गाथाओं को सुना दिया। हर कोई हैरतप्रभ था, गजब था। तो 48 नहीं आचार्य से 48 सुनते प्रश्न खुद कह रहे थे भाई मैं तो सुनाना शुरू कर दूंगा, आज कुछ बैठे हो और कल चलते रहेंगे तो आप शायद कुछ बैठना ही बंद कर दोगे। तो इसलिए हमेशा बोले तो कम से कम सामने वाले के सामर्थ्य के अनुसार बोले। पर गजब यह नहीं था कि इन उपाधियों से डिग्रियों से प्रमाणों से कुछ नहीं होता, बहुत पोचार हुए कल ये अभी बताते हैं आपको, पर इनसे सब संतों को हमारे कई संतों को मिलते हैं उन्हें कोई लगाव नहीं होता। अरे नहीं करना, गृहस्थ देखे इनको ये तो धन्य हो जाती हैं उपाधियां डिग्रियां जब उनके ऊपर किसी संत के नाम लिख जाते हैं। वह भी कहती हैं आज धन्य हुई है, रोज मैं औरों के नाम लिखती हूं, आज मेरे ऊपर के नाम लिखने से वह देने वाला धन्य हो जाता है और जिस पर लिखा जाता है वह धन्य हो जाता है जब संतों के चरणों में इस तरह की डिग्रियां रखी जाती हैं। जैसे पर हाँ, आज खास बात तो यह नहीं थी, कल जो खास बात हुई थी वह बहुत गजब की थी। 10 भाषाओं में प्रवचन। क्या कहा? 10। जी हां, 10। अरे अभी नहीं, बस आदि सागरंगली का जी शिष्य थे महावीर कीर्ति जी, फिर आए विमल सागर जी, फिर आए सरमती जी और फिर चतुर्पटा रहे सुनील सागर जी। तो महावीर कीर्ति बता कहती थी 18 भाषाओं का पूरा ज्ञान था। यही नहीं, वे कहते थे पशु पक्षी क्या कह रहे चाह रहे हैं इसमें बोल रहे हैं वह तक समझ लेते थे वो। तो 10 भाषाएं जानते हैं, तो सारे USA के थी, कैलिफोर्निया के थी, यानी वहाँ ब्रिटिश के थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ज्ञानवान भी थे। तो आचार्य श्री दस कह ही दिया कि आपके बारे में कहा जाए 10 भाषाएं जानते हैं। तो आचार्य श्री जानता नहीं हूँ, सुना देता हूँ, समझने की बात होनी चाहिए। शुरुआत प्राकृत से की कि प्राकृत प्राचीन भाषा है, संस्कृत को ले आए, अपभ्रंश को ले आए, हिंदी ले आए, बुंदेलखंडी ले आए, कन्नड़ ले आए, गुजराती ले आए, महाराष्ट्री ले आए, हर भाषा को लेते लेते वो आगे बढ़ते गए। गजब की बात थी जिसने देखा बांगड़ के लिए आए, यानी हर जगह की भाषा सुनाकर उन्हें 10 भाषाओं में जो बोला और आज जितना कल बोला था सचमुच इतना मुस्कुराया लोगों को जितना शायद पूरी चतुर्मास में लोग मुस्कुराए नहीं थे। कल एक प्रवचन में मुस्कुराए, उसका छोटा सा इनको सुनाएंगे आपको, पर पहले तो दिखाएं इतना ही नहीं हुआ था, ऐसा अद्भुत प्रवचन आपने शायद दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। सुना होगा बहुत बार लेकिन कभी नहीं होगा कि 10 भाषाओं का प्रवचन एक बार में एक संत द्वारा आज तक नहीं हुआ होगा। पर हाँ, उससे पहले बताते हैं क्या कहता आपसे, उपाधियों की बौछार। हाँ, कहा ना आपसे पहली बार किसी संत को डीलिट की उपाधि मिली, डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर, वो भी प्राकृत भाषा के लिए, ऐसा आज तक इतिहास में किसी को नहीं मिली है। ये देख रहे हैं आप, बारात लग गई थी जैसे उपाधियों की, प्रमाण पत्रों की, डिग्रियों की।
तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर के बारे में। ब्रिटिश नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ क्वीन मैरी, जी हाँ, लंदन की यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर दी आचार्य ऋषि को। किस लिए? सुनील प्राकृत समग्र के लिए। इसके अंदर उनकी ना प्राकृत में जो काव्य रचनाएं लिखी उन्होंने, उन सबका संकलन है प्राकृत के अंदर, और इसके ऊपर उन्होंने डायरेक्टर ऑफ लिटरेचर के रूप में उनको, और इन्होंने कहा था कि पहले 48 काव्यों की परीक्षा होगी, और आचार्य जी ने तंदंस सुनाना शुरू कर दिया था। तो यह थी पहली डिग्री प्राकृत के ऊपर संतों के अंदर मिलने वाली, और यह पहचान है जैन ग्रंथों को जीवंत रखने की, उस भाषा को आज रखने की। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, संस्कृति की पहचान करती है, और प्राकृत प्रकृति की पहचान कराती है। और हाँ, इसी पुस्तक पर साहित्य रत्न की उपाधि दी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लंदन ने, जो ये आप देख रहे हैं, यह मिला साहित्य रत्न उसी सुनील प्राकृत समग्र के ऊपर। राष्ट्र गौरव, कई बार पहले भी ये दे चुके हैं, उनके आगे राष्ट्र गौरव, इंडिया प्राउड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा यह रूप से सम्मान दिया गया। अपने भावों को इस तरह से मोतियों में पुराने के लिए उसी सुनील प्राकृत समग्र के लिए, उसी ग्रंथ के लिए आइकॉन एम्बेसडर ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा भी यह प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया। 1, 2, 3, 4 होते रहे जैसे अद्भुत चमत्कार। यही नहीं कि आचार्य श्री को मिली, आरिका श्री को भी नहीं रही, वह भी आगे रही। देखिए, सुनते हैं, देखते हैं। और हां, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी यह मिली कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए से आरिका सुद्रणमती माताजी को, ऑन द बायोग्राफी ऑफ सुनील सागर जी महाराज। इस ग्रंथ के लिखने के लिए आरिका सुद्रणमती माताजी को नवाजा गया डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी से, जो ये चित्र देख रहे हैं आप। और माता ने साफ कह दिया, ये मेरे नहीं है, ये तो आचार्य, तो आचार्य समाज की तरह कि ये आपके योग्य है। और फिर इस कश्मकश में यह डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी आरिका श्री सुद्रणमती माता जी को प्रदान की गई, है ना, कैसा रहा। पर आज कहते हैं, जब जब संत आते हैं तो सोना सोना होता है, संत जाते हैं तो सुना सुनो। पर हाँ, एक बात तो भूल ही गए, आप कहेंगे प्रवचन का थोड़ा सा अंश सुना देते हैं आपको, सुन लीजिएगा कि 10 भाषाएं एक के अंदर कैसे एक प्रवचन में एक संत समाहित कर देता है, उसमें से कुछ को सुना देते हैं, कुछ मुस्कुराहट आपके चेहरे पर भी ले आते हैं, सुनते रहिएगा। प्राचीनतम भाषा है ये देश की प्राकृत भाषा। अगर हम गहराई से देखें तो मालूम पड़ेगा कि संस्कृत से भी प्राचीन भाषा। मुंह धो लो, मुंह शब्द कौन सी भाषा का है? मुंह शब्द प्राकृत भाषा का है। प्राकृत भाषा हिंदी की दादी है। दिल्ली आ गया शब्द कौन सी भाषा का है? महाराष्ट्रीय प्राकृत आगता, आ गया। घर से निकला, घर कौन सी भाषा है? संस्कृत में तो ग्रह बनता है। तो आज हिंदी में भी प्राकृत बहुत अच्छी तरह से व्याप्त है। ना हम देहो ना मनो, मी देह नाही मी मन नाही मी वाणी पण नाही, याचा करता याचा करीता याचा अनुमोद न करता पण मी नाही, मी फक्त जाणणारा चैतन्य घन आत्मा आहे। मुरु लोक दे मुरु लोक दल्ली सुखिल्ला, सुख आत्मा दल्ली दे, आत्मा दल्ली आनंद दे। मैं आत्मा आहे, मैं आत्मा हूं, देह से भिन्न, शरीर ता कर्तु मनंत शक्ति विभिन्न मात्मान मपास्त दोस्ता। शरीर से भिन्न करने की वह ताकत, वह शक्ति सरस्वती जनवाणी मुझे प्रदान करे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगरचे मर्तवा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है।
अहंकार में रहने वालों को कुछ नहीं मिलता है, जो मिट जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनको सब कुछ मिलता है। धन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत फेमस लोकोक्ति है इंग्लिश की, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, बट कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। ये कहां से आई ये पंक्तियां? हमको ऐसे लगता है कि ना अंग्रेजी बहुत बहुत बड़ी भाषा है, बहुत महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, एक जमाने में संस्कृत इंटरनेशनल लैंग्वेज थी, उसको उठाया गया ऊपर, प्राकृतें फिर नीचे जमीन पर चलती रही। आज इंग्लिश को इंटरनेशनल, वह अपने आप में बड़ी भाषा के रूप में है। लेकिन ये पंक्तियां यहां कैसे पहुंची? वास्तव में संस्कृत में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं, प्राकृत भाषा में इसकी सूक्तियां उपलब्ध हैं। वो कहती हैं, इंग्लिश वाले बहुत जल्दी पकड़ते हैं, बहुत सारे शब्द भाषाओं में इधर से उधर होते हैं। गुजराती ज्यां जाय छे त्याच, बुंदेलखंडी तो आप क्या बोलेंगे, हाँ कौन जानत है बताओ, को खुआउत हो तो कछु बोले, हम कछु कहने लगे तुम कछु सुनन लगे, को कछु को कछु समझने लगो तो हम का करें। बुंदेलखंडी में सबसे बड़ा लफड़ा जो ही है वो कि ऐसे शब्द हैं कि अगर कछु को कछु, हमारे ये दद्दाएं थे ये बोलत हैं और लोग समझते हैं कि झगड़ रहे लड़ रहे, और हम उनको कहते तुम बुंदेलखंडी बोलो, बंद ही कर दे, तुम बुंदेलखंडी बोला था तो संत हिंदी वाले ऐसा समझते हैं कि ये हमें लठ मार रहे हैं। और आपने देसी भाषा बोली, बागड़ी बोली, अंडे बोले, कंडे बोले, तो गए काम से थे। जबकि देसी भाषाओं का अपना रस है, वो जो है आप उसके शब्द दूसरी भाषाओं में नहीं ढूंढ सकते। शुद्ध को जानो, शुद्धम तु व्यानंतो शुद्धम जीवप्यम लहदि जीवो, जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध मेवप्यम लहदि। एक से बढ़ के एक सूत्र, आप शुद्ध को जानोगे, शुद्ध स्वभाव को समझने की कोशिश करोगे तो शुद्ध हो जाओगे, और अशुद्धि ही आपकी बढ़ती रहेगी तो आप घोर अशुद्धि में पड़ के संसारी ही बने रहोगे। और सब संभव है। परिणमदि जेन दब्बम तत्कालम तमयति पण्णत्तम, तम्मा धम्म परिणदो आधा धम्मो मुणिदो। बहुत गजब का सूत्र है। बोले जिस समय तुम्हारे जैसे विचार हो रहे हैं ना, तुम्हारा परिणमन वैसा हो रहा है। तुम जैसे सोच रहे हो वैसे तुम बन रहे हो। एज यू थिंक सो यू बिकम, जैसा आप सोचते हो वैसा आप सोचते थे हम कभी बने, स्कूल में पढ़ते ही पढ़ते कभी बन गए। आप सोचते थे हम प्रतिष्ठाचार्य बने, देश के नामी प्रतिष्ठाचार्य बन गए। हम सोचते थे कि हम ये दोनों चीजें बन जाएं तो मुनि महाराज बन गए। एक बात है, बोली भाषा लिपि, इन तीनों में अपनी अलग अलग विशेषताएं। बोली का मतलब होता है जैसे राजस्थान में है, अब राजस्थान में भाषा कितनी है, राजस्थानी भाषा कितनी है, तो राजस्थानी भाषा एक है, भाषा एक है। लेकिन उस भाषा में जो बोलियां हैं, मेवाड़ी, बागड़ी, जैसलमेरी, जोधपुरी, मारवाड़ी और मारधाड़ी, तो बहुत सारी वो बोलियां हैं। बागड़ी, हाँ बगड़ी, जैसे हाँ कोटा तरफ की हड़ होती, तो कई सारी बोलियां हैं जिनने भाषाओं का रूप ले लिया है। बोली का मतलब होता है, बोलते ना एक कोस पर पानी बदले चार कोस पर भाषा, या बोली, बोलियों का एक ग्रुप है वो भाषा है।
जैसे आज हम कहते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी, आमची राष्ट्रभाषा, आमची राष्ट्रभाषा महाराष्ट्र, मराठी आए मराठ, अगर वो मन से का वो बोलेगा ना राज ठाकरे क्या बोलेगा, मी महाराष्ट्राचा, महाराष्ट्र माझा, है ना। और वहां राष्ट्रभाषा कौन सी हो जाएगी उनकी, मराठी हो जाएगी। जो आग्रही लोग हैं वो अपनी अपनी देसी भाषा को, राज्य की भाषा को राष्ट्र की भाषा कहते हैं, लेकिन नहीं, पुरखों ने जो निर्धारित किया है, संविधान जो निश्चित किया है, वह राष्ट्रभाषा हिंदी, भारतीय भाषा हिंदी, देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी, हिंदी भारत माता के माथे की, ठीक है। इसको ऐसा क्यों कह रहे थे, जोर क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई सारी बोलियां, कई सारी भाषाएं, कई सारी उपभाषाएं इसमें एडजस्ट हो जाती हैं। आप राजस्थानी वालों के साथ हिंदी बोलेंगे जम जाएगा, गुजराती वालों के साथ हिंदी बोलेंगे काफी जम जाएगा, दिल्ली की भाषा, अरे दिल्ली की भाषा तो बोले ही मत, ये इनका भाषा बोलना ही मतलब जो है। फिर भी इसमें एक शब्द जो जुड़ जाता ना हरियाणा वाली दिल्ली में, हां जी, त्रिभुजन त्याग करोगे हां जी, रोज मंदिर जाओगे हां जी, दीक्षा लोगे हनन जी हो जाएगा फिर। हाँ, बागड़ी में सगा भाई को हगा भाई बोलते हैं, हाँ साको हा होता है, क्या करें, कुछ प्राकृत भाषा ऐसी है कि साको हा होता है। अब यहाँ या का जा तो होता ही है, जमुना जी सब बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग तो बोलते ही हैं, हैं गंगा जी, जमुना जी, सरजू जी, अयोध्या जी, अगवाड़े आओ हगाई करवा भी साको हा हो गया, तो अब वहां समझो वो लोग वहां की भाषा वैसे समझेंगे, उसको सम्मान देंगे, वो बात यहाँ बोल दोगे तो लोग कहेंगे हमारे यहाँ बाथरूम नहीं है क्या जो आप इतनी दूर बुलाते हो, और उसका अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे। पूरे जैन समाज को ढेरों बधाई, भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव समिति एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में भगवान महावीर 2550वां निर्वाण महोत्सव का भव्य उद्घाटन रविवार 26 नवंबर प्रातः 10 बजे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में, और साथ ही पाए 108 साधुओं का पावन सानिध्य। तो जो भी श्रद्धालु कार्यक्रम में आने के इच्छुक है उनका नाम पता एवं संपर्क सूत्र दिए गए नंबर पर 10 नवंबर 2023 तक भेज दे। जय जिनेन्द्र।